नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी दल, अपना दल सोनेलाल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जमुना सरोज जी हैं। डॉक्टर जमुना सरोज जी प्रयागराज के सुराव विधानसभा से विधायक भी हैं। आज हम उनसे अपना दल यश के विकास के बारे में और अपना दल यश की नई रणनीति के बारे में और साथ साथ उनके क्षेत्र की तमाम बातों के बारे में जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप जो है अपना दल यश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। और हमारा सवाल यही है कि एक प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से, अपना दल यश के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से, आप अपना दल को किस तरह से तैयार करेंगे? केवल भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के लिए तैयार करेंगे या जो है अपना दल को अपने बलबूते खड़ा होने के लिए तैयार करेंगे? सबसे पहले तो हमारी पार्टी की मुखिया बहन अनुप्रिया पटेल जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। तो उन्होंने एक पारसी समाज के बेटे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले 30-32 साल पहले कांग्रेस ने धर्मवीर भारती जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था पारसी समाज से। जी। उसके बाद से किसी पार्टी ने पारसियों को शुद्ध नहीं लिया। क्या बहुजन समाज पार्टी ने जिस सरोज को नहीं बनाया था? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। अच्छा। किसी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, प्रदेश अध्यक्ष को सम्मान नहीं दिया। बहन अनुप्रिया पटेल जी ने एक अच्छी पहल करी है, पारसियों में बहुत ही ज्यादा खुशी की लहर है कि बहन अनुप्रिया पटेल जी ने पारसी समाज के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बना करके जो पारसी समाज को सम्मानित किया है, पूरा पारसी समाज उनका बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है। जी जी, मैं इसी पर मेरा सवाल है कि आपने नाम भी ले लिया पारसी समाज, हमको आपको प्रदेश अध्यक्ष ही कहेंगे। मैं ये कहता हूँ, आप जब ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं अनुप्रिया पटेल जी ने पारसी समाज को, अपना दल यश ने पारसी समाज को एक सम्मान दिया, मैं देख रहा हूँ इंजीत सरोज जी पारसी समाज से, वो ये प्रयागराज के ही हैं। उनको सपा जब अपनी पार्टी में ली, महासचिव बनाई, तो प्रतिदिन लगभग या महीने में ऐसा एक वो कार्यक्रम करवाते हैं जिसमें बड़ी संख्या में पारसी समाज के नेता जो सपा को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, डॉक्टर जमुना सरोज भी क्या ऐसा कोई कार्यक्रम करवा के और पारसी समाज की बड़ी संख्या को पूरे प्रदेश में अपना दल यश में ज्वाइन करवाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का अपना अलग एजेंडा है। हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी अपना दल का अपना अलग एजेंडा है। पारसी समाज को जो है किसी तरीके से बरगला करके ज्वाइन कराना अलग चीज है, लेकिन विधानसभा में और संसद में पारसियों की बात उठाना वो अलग चीज है। वो डॉक्टर जमुना सरोज करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मुखिया बहन अनुप्रिया पटेल जी कर रही हैं। इस बात को पूरा प्रदेश जानता है कि बहन अनुप्रिया पटेल जी पिछले बहुत दिनों से दलितों की बात करती हैं। अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का जब एक फैसला आया, प्रमोशन में आरक्षण, जी उसके लिए भी असहमति जताई हमारी पार्टी की मुखिया बहन अनुप्रिया पटेल जी। किसी पार्टी के इतने सांसद हैं, किसी ने कोई असहमति नहीं जताई, कोई किसी का बयान नहीं आया। पिछड़ा आयोग के संवैधानिक दर्जा देने दिलाने पर भी बहन अनुप्रिया पटेल जी ने बोला, मतलब बहन अनुप्रिया पटेल जी ने इसी संसद में बोलने का काम किया प्रधानमंत्री जी के सामने, और ये बोला कि जो आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है वो आरक्षण कोई भीख की व्यवस्था नहीं है, संरक्षण की व्यवस्था खत्म नहीं होगा जी, और ये आरक्षण तब तक लागू रहना चाहिए जब तक कि समतामूलक समाज की स्थापना ना हो जाए, ऐसा किसी ने नहीं बोला। मैं ये जानना चाह रहा था, आप अपना दल यश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज अपना दल यश में जो फूट है, एक बड़े पदाधिकारी और विधायक आर के वर्मा जी अलग थलग रहते हैं, एक दो अपना दल के विधायक ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के चलते हैं, इस फूट को डॉक्टर जमुना सरोज जी नियंत्रित कर पाएंगे या ये फूट आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसा कुछ? ये कौन कहता है फूट है? मैं तो नहीं समझता कोई फूट है। अपना दल, बहन अनुप्रिया पटेल जी ने आदरणीय आर के वर्मा जी को 2.5 साल में 2 बार विधायक बनाने का काम किया। आर के वर्मा जी सम्मानित विधायक हैं, पहले भी थे, आज भी हैं। बहन अनुप्रिया पटेल जी की तरफ से, आदरणीय आशीष पटेल जी की तरफ से, हमारी तरफ से भी वो आदरणीय विधायक हैं।
कुछ मतभेद हर जगह होता है। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें मतभेद नहीं है? कहीं ना कहीं किन्हीं विचारों पर मतभेद होता है, हर पार्टियों में ऐसा है। तो थोड़ा बहुत अगर है वो हाईकमान का मामला है, उसको समझ लिया जाएगा। विधायक जी आप एक चीज बताएं, अभी तक जो अपना दल सोनेलाल को अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल जी के नाम से जाना जाता है, वही दो मुख्य नेता हैं। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जमुना सरोज बनने के बाद क्या आप जो है एक नई लीडरशिप के नाम से भी अपना दल से जाना जाएगा? पहली बात तो मैं इसमें असहमति जताता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि अपना दल में केवल दो ही नेता हैं, आदरणीय बहन अनुप्रिया पटेल जी, आशीष पटेल जी, ऐसी बात नहीं है। हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी लोगों को नेता बनाने का काम करती है, दूसरी पार्टियों में सांसद और विधायक बनाए जाते हैं, लेकिन बहन अनुप्रिया पटेल एक ऐसी नेता हैं जो अपनी पार्टी में सांसद और विधायक को नेता भी बनाने का काम करती हैं, केवल सांसद विधायक नहीं बनाती हैं और पूरा मौका देती हैं। हमारी पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, ऐसी बात नहीं है। सही बात नेता, मैं कुछ क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करूँ। विधायक जमुना सरोज जी के बारे में कहा जाता है बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, क्षेत्र की जनता पर भी गुस्सा हो जाता है, ये कैसे ही है क्या? नहीं, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग स्वभाव होता है, नेचर होता है, ठीक है ना। अब एक्चुअली क्या है कि कोई व्यक्ति गलत बात का बाद में रिएक्ट करता है, और हो सकता है मैं जल्दी रिएक्ट करता हूँ, आप चाहे वो स्वाभाविक गुण आप मान सकते हैं, इसी को चाहे आप गुस्सा समझ लिए चाहे। बाकी हर कोई जानता है कि मेरे जैसा सरल नेचर का विधायक शायद जल्दी से आप। पूरे क्षेत्र में ये कहावत है कि हम डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज बहुत ही विनम्र विधायक हैं, और उनसे मिलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, सबका सम्मान करते हैं। मैं काम के बारे में, हाँ, मिलने में दिक्कत वाली पर मेरे सर एक वीडियो आया था मेरे पास, जिसमें कुछ लोगों को आप बुला के और आए नहीं है, और वो लोग नारेबाजी करने लगे, कंबल उम्बल देने का क्या मैटर था, और फिर किसी दो लोगों को पर मुकदमा भी लिखा दिया गया कि लोगों ने भड़काया है, ये सही था क्या? देखिए, ये कार्यकर्ता अपने हर नेता के अपने सपोर्टर होते हैं। हाँ बिल्कुल, तो हमारे भी अपने सपोर्टर हैं, कुछ लोगों ने नारेबाजी करी होगी क्योंकि धारा 144 की वजह से कार्यक्रम नहीं हो पाया, वो कार्यक्रम जा करके 25 दिसंबर के बजाय 5 जनवरी को हुआ, लेकिन बाद में हुआ 5000 कंबल वितरित किया गया हमने अपनी। अच्छा नेताजी, मैं इस पर आपने सही कहा, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर मैं बात करूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना दल विधायक हैं और भाजपा के लोगों ने ऐसी बात करवाई होगी ताकि आपकी छवि खराब हो? नहीं नहीं, ऐसी बात बजे के भाजपा हमारी सहयोगी पार्टी है, और पूरा सम्मान हम अपनी सहयोगी पार्टी को देते हैं, उसके कार्यकर्ताओं, उनके कार्यकर्ताओं को भी देते हैं। ये विरोधी पार्टियों की कुछ साजिश हो सकती है जिन्होंने नारेबाजी करवाई, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको मुकदमा करवा दिया। अच्छा सर, एक चीज हमें जानकारी इसकी नहीं थी, हमारे कार्यकर्ताओं ने करवा दी। हम एक जानकारी और लेना चाहते हैं कि जैसे कि पूर्व विधायक सतबीर मुन्ना थे, उन्होंने अपने प्रयास से IIT का वहां निर्माण करवाया, हमने देखा कि 80% काम उनके जमाने में हो गया था, शिक्षा सत्र भी चालू हो गया था, जो बचा हुआ काम थे वो अभी 3 साल में नहीं पूरा हो पाया, तो क्या वो जल्दी पूरा होगा कि उद्घाटन आप करेंगे उसका? नहीं, अवश्य पूरा होगा, बहुत जल्दी इसका पूरा जी। अब मेरा जो है एक सवाल और है नेताजी, जैसे कि क्षेत्र में आपने 3 साल तक आप विधायक भी रहे, तो बड़ी पोस्ट पे हो गए, तो आपकी व्यस्तता और बढ़ जाएगी, 3 साल में क्षेत्र के लिए आपने कौन सा योगदान दिया है? एक उसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि एक आपके यहाँ कटाई मिले मोबाइल में, उसका पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप का टेंडर भी हुआ था, लेकिन वो चालू नहीं हो पाया, उससे रोजगार भी बढ़ता, इस पर क्या करेंगे? आपने कहा 3 साल में आपने क्या काम किया, और मैं आपसे उल्टा प्रश्न करता हूँ, कौन सा काम नहीं किया? जितनी सड़कें पूरे जनपद प्रयागराज में, जितनी सड़कें 16 विधानसभा में हमने बनवाने का काम किया है, किसी विधायक के कार्यकाल में नहीं हुआ। हमने प्रस्ताव भेजा, जितना भी प्रस्ताव लोक निर्माण में भेजा है हमने, आदरणीय लोक निर्माण मंत्री, उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी ने उसको पास करने का काम किया है, हमें सम्मान देने का काम किया, और सारी सड़कें चौड़ीकरण हुई, लंबी लंबी सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कें, सड़कों का जाल बिछ गया पूरा 16 विधानसभा के अंदर। सौभाग्य योजना क्या, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से जो सौभाग्य योजना चला, उसके तहत जगह जगह विद्युतीकरण हो गया, ठीक है ना। पानी की बात है,
पानी की अभी समस्या हमारे विधानसभा में है। जी जी, बिजली पानी और सड़क मूलभूत यही समस्या होती है। तो पानी की समस्या के लिए हमारी सरकार नल से जल तो ये योजना ला रही है और वो बहुत ही जल्दी पूरे विधानसभा में सर, नल से जल सड़क, का एक सड़क सेवई से जाती है, वो आगे जो है जाके सिकंदरा वाली रोड पे मिलती है। सेवई के गांव वाली सड़क बहुत खराब है, मैं वहां गया हूँ, तो उसका पुनरुद्धार कब तक करवाएंगे? वापसी के विधान एक भी सड़क नहीं बचेगी, जो जो बची है उन सबका भी प्रस्ताव हमने भेज दिया है। आप तो केवल लिंक रोड जो है, बीच बीच के जो लिंक रोड जहाँ जल भरा हो जा रहा, ऐसी सड़कों को चिन्हित करके भेजा जा रहा, बड़ी सड़कें तो एक भी नहीं छूटे। मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ, जैसा कि अपना दल यस है, एक अपना दल का अलग जिन्हें नाम का भी गुट है, उसको माता जी का गुट बोला जाता है, क्या इनसे तालमेल कैसे आप बना पाएंगे, या इनको समझौता करवाएंगे, या वो भी अलग से जो है उनका कुछ प्रभाव रहेगा जो अपना दल को नुकसान पहुंचा? इस प्रश्न पर हम नो कमेंट कहना चाहते। अच्छा नेता जी, आप एक चीज और बताइए, अपना दल यस एक बहुत ही सहयोगी पार्टी है, बहुत ही मजबूत सहयोगी पार्टी के लिए उसके वोटर है। मैं अगर प्रयागराज की बात करूं, मिर्जापुर की बात करूं, बनारस की बात करूं, प्रतापगढ़ की बात करूं, सुल्तानपुर की बात करूं, अम्बेडकर नगर की बात करूं, बगल में सीतापुर की बात करूं, या फिर जो लखीमपुर खीरी की बात करूं, या गोंडा बहराइच यहाँ तक कि बाराबंकी की बात करूं, इतने जिलों में अपना दल यस के बहुत वोटर है, लेकिन अपना दल यस को सीटें मिलती हैं खाली 9 या 12। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगला जो 2022 में विधानसभा चुनाव होगा, प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से आपकी तैयारी कितनी सीटों पर है? देखिए बहन अनुप्रिया पटेल जी ने जो हम पर विश्वास करके प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, निश्चित रूप से हमारे अनुभव को देखते हुए, क्योंकि मैं दूसरी पार्टी में रहा, बहुजन समाज पार्टी में था, वहाँ मंडल कोऑर्डिनेटर था, वहाँ भी मैं संगठन का ही काम देखता था। तो बहन अनुप्रिया पटेल जी ने एक तो पासी समाज को सम्मानित करने का भी काम किया, और दूसरा उन्होंने हमारे अनुभव को भी जो है ध्यान में रखते हुए हमें ये सम्मान दिया है, और उन्हें पूरा भरोसा है कि हम संगठन को आगे ले जाएंगे। हमारी जो प्लानिंग ये है कि हम 150 सीटें तैयार कर रहे हैं। अच्छा, अपना दल यस 150 सीटों 150 सीटें हम तैयार करेंगे और बूथ स्तर तक का हम संगठन बनाएंगे, बूथ स्तर तक का ले जाएंगे। अभी इसी कड़ी में हमारे बहन जी ने, बहन अनुप्रिया पटेल जी ने सारे संगठनों के प्रदेश स्तर के राष्ट्रीय स्तर के संगठन का निर्माण अभी इसी महीने में उन्होंने घोषित किया है। अधिकांश जिला अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं, 2-4 जिला अध्यक्ष बाकी हैं, वो भी जल्दी घोषित हो जाएंगे। तो हमारी पार्टी ज्यादा से ज्यादा पदाधिकारी घोषित करने का काम कर रही है, और उनको सबको संगठन निर्माण में लगाया जा रहा है, और उसकी कमान हम संभालेंगे। लेकिन अभी आप जान रहे हैं कोरोना वायरस जो है, उसकी सुरक्षा के लिए हमारी बहन जी ने, आदरणीय बहन अनुप्रिया पटेल जी ने मीटिंग में ये आदेश किया है कि हमारे कार्यकर्ता भी सुरक्षित रहें, इससे सुरक्षा ही बचाव है। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है सर, ये बहुत लोगों को इसकी बात की जो है वो लेनी है जानकारी। आप एक मतलब कि आप बहुजन समाज पार्टी में थे, तो बहुत इधर उधर कई बार आपकी स्थिति जो है ऐसी बनी रही कि यहाँ तक कि टिकट आपको नहीं दिया गया, फिर आप अपना दल यस में आए कहा जाता है। मेरा ये कहने को, लेकिन आपका किस्मत कह लीजिए या आपकी मेहनत कह लीजिए, आज आप अपना दल प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आपकी क्या महत्वाकांक्षा है, अगले विस्तार में मंत्री बनना, या फिर आप जो है आशीष पटेल जी का ही नाम मंत्री बनने? देखिए, आपने ये कहा कि टिकट की दावेदारी या ये बाकी की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बड़ी बात तो नहीं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हम वो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, इधर चल देंगे रास्ता हो जाएगा। मतलब मंत्री के लिए आपका नाम जाएगा आपकी बात? नहीं, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन क्वालिटी है, आप मेहनत करते हैं। ये बहन अनुप्रिया पटेल जी के जो है बात है, वो किसको मंत्री बनाती है किसको नहीं मंत्री बनाती है, निश्चित रूप जो पार्टी के लिए समर्पित व्यक्ति रहेगा उसका नाम निश्चित रूप से आएगा, जो पार्टी के लिए काम करेगा, पार्टी के लिए सोचेगा, संगठन के लिए सोचेगा। अगर पार्टी है तो सब कुछ है, पार्टी है तो विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, सब। तो सबसे पहले जो पार्टी के लिए सोचेगा हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी, उसी को मौका दें। दो एक सवाल पे मेरे जवाब आप नहीं दिए थे, एक सवाल उसमें मैं और जोड़ूंगा कि कताई मिल बहुत फेमस था पहले, बहुत ज्यादा लोग जानते थे, आज जो है कताई मिल का मैंने बोला भी थी, पब्लिक और प्राइवेट टेंडर हो चुका था, मैं जानना चाहता हूँ कताई मिल क्या आप चालू करवाएंगे? कताई मिल के लिए हमने 4 बार क्वेश्चन उठाया है सरकार में, सदन में,
क्वेश्चन हमने एजेंडे में क्वेश्चन लगाया, उसके बाद नियम 51 में भी लगाया, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारी कताई मिले बन रहे हैं तो सरकार ने कहा कि जब विचार होगा तो सभी पर विचार। अच्छा एक चीज और सर, आपके मऊ में एक कस्बा है, वहाँ पावर लूम बहुत थी, पावर लूम पर सब्सिडी हटा दिया गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से तमाम पावर लूम बंद भी हो गए, तो क्या उसके लिए आवाज़ उठाएंगे कि सब्सिडी चालू हो ताकि पावर लूम चालू हो जिससे लोगों को रोजगार भी मिले? हमने इस पर पत्र भी लिखा है और आगे भी हमें आवाज़ उठाएंगे। नेता जी एक सवाल, जैसा कि अपना दल यस एक सेकुलर दल है, धर्मनिरपेक्ष दल है, अपना दल यस में पदाधिकारी भाई आपको प्रदेश अध्यक्ष आप कह रहे पासी समाज के, मैं वो दलित समाज के होते हैं जिन्हें इज्जत दिया आपके नेता ने, इज्जत दिया कुर्मी समाज से वो खुद बिलोंग करती है, अल्पसंख्यक समाज के लिए आपके यहाँ कोई बिंग नहीं है या कोई जो है उस तरीके का? हमारे यहाँ अल्पसंख्यक समाज का बिंग है, अल्पसंख्यक समाज का बिंग है, उसके पदाधिकारी हैं प्रदेश स्तर के और जिला स्तर के, हर जिले में जिला अध्यक्ष मोहम्मद असलम में जिला अध्यक्ष यहाँ पर है हमारे जनपद प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हम अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहते हैं कि पूरे मनोयोग से संगठन पर जोर दें और जिले के संगठन के साथ साथ विधानसभा के संगठन, विधानसभा के बाद सेक्टर का संगठन, सेक्टर के बाद बूथ का संगठन मजबूत, उसको मजबूत करें। हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी ने जो कहा है बूथ पे वन बूथ टेन यूथ, वहाँ तक का संगठन बना लें जिससे हम अपने जो है सहयोगी पार्टी हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा हम दावेदारी कर सकें, दबाव बना सकें ज्यादा से ज्यादा। अरे नेता जी अब मेरा एक रैपिड एक्शन के क्वेश्चन सुनिए, आप एक दो शब्दों में उसको जवाब दीजिए। आप ये बताइए उत्तर प्रदेश सरकार को कितना नंबर देंगे? 10 में 10 है वो क्या है? डॉक्टर जनरल सरोज अगले विस्तार मंत्री बनेगा, ये तो पार्टी के हाईकमान का मामला है। आपके अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री नहीं बनेंगे क्या? बिल्कुल बनेगा, मैं भरोसा रखता हूँ। आप जो है अपना दल और भाजपा गठबंधन में जो है कितनी सीटें लगभग लेने की कोशिश करेंगे? हम 150 की तैयारी कर रहे हैं अगस्त के महीने में, जहाँ बूथ स्तर का संगठन बन जाए। हम प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और हम अपने सरकार से ये मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी थाने हैं 50% थानेदार दलित पिछड़े होने चाहिए, ये हमारी पार्टी की मांग है। ये आपकी पार्टी की मांग है? आपकी पार्टी एज ए प्रदेश अध्यक्ष मैं भी मांग करता हूँ कि 50% थानों में दलित पिछड़े थानेदार होने चाहिए। मैं अब आपसे इस पर एक सवाल भी करना चाहता हूँ। दूसरा, जितने भी जनपद हैं उनके जो DM हैं और SP या SSP हैं उनमें से एक अधिकारी दलित पिछड़े होना चाहिए। दलित या पिछड़े या एक दलित एक पिछड़ा? नहीं, दलित पिछड़ों का होना चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उस संविधान का पालन होना चाहिए। उसके बाद हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वो एक नियम बना करके न्याय आयोग की गठन करें और किसानों को सम्मान देने के लिए किसान आयोग का गठन होना चाहिए। हम आपके माध्यम से ये हम सर मैं इस पर एक क्रॉस क्वेश्चन भी करना चाहूँगा। उसके बाद मैं पासी समाज का प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ और मैं बहुत जल्दी एजेंडा लाने वाला हूँ कि हमारे पासी समाज के महापुरुषों को भी सम्मान मिलना चाहिए, उनकी भी मूर्तियाँ, उनके भी स्मारक जगह जगह बनाए जाने चाहिए। महाराजा बिजली पासी, वीरांगना उदा देवी पासी, महाराजा सुहेल देव पासी, महाराजा लाखन पासी, इन सब महाराजाओं के नाम से, महापुरुषों के नाम से स्मारक बनाए जाने चाहिए। ये हम बहुत जल्दी सरकार से मांग करने वाले हैं। चलिए, पहले भी मांग किया और आगे भी मांग। बहुत अच्छा बात आपने बताया सर, आप तो सत्ता में हैं, आप जो है सहयोगी पार्टी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, क्या आपने उन जिलों के सारे थानों का सर्वे किया है कि इन थाना में जो है नहीं है या यहाँ इतने हैं, कोई डाटा तैयार किया है? डाटा देखिए, ये बहुत ही कड़वा सच होता है कि जब भी सरकार कोई आती है, ठीक है, तो समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में आप सभी लोग जानते हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग का, SDM का मामला, एक ही बिरादरी के लोगों का, ठीक है ना, एक ही बिरादरी के SDM कर दिए गए, थानेदारों में जो भी थानेदार जो इंस्पेक्टर SO है वो एक ही बिरादरी के सारे हो गए,
तो हमारी पार्टी का ये मानना है कि एक ही बिरादरी के ना हो करके ऐसा ना हो जो 50% दलित पिछड़ों का आरक्षण है, तो ऐसा ना हो कि समण बिरादरी के थानेदार ज्यादा हो जाए और दलित पिछड़े कम हो जाए। हम इसीलिए 50% की मांग करते हैं कि जब वो ये रेशियो बना रहेगा तो सबको सम्मान मिलेगा। हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का भी कहना है सबका साथ सबका विकास। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि वो ये अपना दल यश की नीति को लागू करे, पिछड़े को सम्मान दे, दलितों को सम्मान दे, भारतीय जनता पार्टी तो सम्मान दे रही है। पदाधिकारी बना रही है, पदाधिकारी नहीं बना रही है, पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बना रही है, वो न्याय आयोग नहीं बना रही है। वो हम मांग कर रहे हैं, उन्हीं चीजों को मांग कर रहे हैं। सम्मान तो पार्टी दे ही रही है, माननीय मोदी जी सम्मान दे रहे हैं, माननीय योगी जी सम्मान दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कोई कमी रह रही, उस चीजों को हम लोग मांग करके उसको सीधा सही कर रहे हैं। मुद्दे पर अपना दल यश और भाजपा में टकराव तो नहीं होगा? नहीं, ऐसी कोई टकराव नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी मांगे मान ली जाएंगी, माननीय योगी जी भी मान लेंगे, माननीय जो है प्रधानमंत्री जी, मैं, हम बहन जी जो आवाज उठाती है संसद के अंदर। आप देखिए, पिछड़ा आयोग की बात उठाई थी बहन जी ने, पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, तो ऐसी लड़ाई लड़ा जाएगा तो बिल्कुल मिलेगा। एक लाइन में और पूछूंगा, अंतिम मेरा सवाल होगा ये, अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश की सीएम बन सकती हैं? अपना दल अध्यक्ष चाहते हैं, बिल्कुल बन सकती हैं। हम बिल्कुल, जिस दिन आपने देखा कि बहन मायावती जी की बात ले लीजिए, जब उनका समाज उनके साथ जुड़ गया सारा, तो अन्य लोगों को मिलाकर के वो मुख्यमंत्री बनते, ठीक है। माननीय मुलायम सिंह जी को ले लीजिए, जब उनका समाज पूरी तरीके से जुड़ गया, दूसरे लोगों को मिलाकर के वो भी कही बहुत। अब बहन अनुप्रिया पटेल जी के साथ यही हो रहा है, अधिकांश समाज उनका जुड़ चुका है, अब तो पासी समाज भी, दलित समाज, दलितों का इतना आवाज बहन अनुप्रिया पटेल जी उठा रही है, दलितों के सम्मान के लिए वंचितों शोषितों की आवाज इतनी ज्यादा उठा रही है कि वंचित शोषित समाज उनके साथ जुड़ता जा रहा है। अभी आपने देखा, एक हमारे जो है 96 के विधायक राहुल कोल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, युवा मंच, आदिवासी समाज को भी समाज से विरान करते हैं उनको बनाया गया, तो आदि बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी आदिवासी है जी, तो दलित आदिवासी बहुत ही संख्या में बहन अनुप्रिया पटेल जी के साथ जुड़ रहे हैं और कुर्मी समाज जुड़ जाएगा। हालांकि हर समाज को वो सम्मान देने का काम करती हैं, गरीब सवर्णों को भी जोड़ा जा रहा है, गरीब सवर्णों को भी जोड़ा जा रहा है, उनके भी लड़ाई, अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है, और दलित पिछड़ों की लड़ाई तो जितनी बहन अनुप्रिया पटेल जी लड़ रही कोई नहीं, मतलब सीएम बनने की सारी क्वालिटी अनुप्रिया पटेल जी 100% ये देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी भी जानते हैं। अच्छा नेता जी, आपने जो है हमारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपना समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा, मेरे साथ अपना दल यश के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जमुना सरोज जी थे। डॉक्टर जमुना सरोज जी ने कहा कि अपना दल यश एक मजबूत पार्टी के रूप में अपने संगठन का विस्तार बूथ स्तर तक कर रही है और अपना दल यश आने वाले विधानसभा में कम से कम 150 सीट पर अपनी दावेदारी करेगी और बीजेपी से समझौता करने की कोशिश करेगी। अपना दल यश के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बात और कहा कि ये चाहते हैं, इनकी पार्टी चाहती है, अपना दल यश चाहती है कि हर जिले के थानों में पिछड़े और दलितों को भी जो है थाना अध्यक्ष बनाया जाए, जिले का जो बड़ा अधिकारी है उसमें से कम एक या दो अधिकारी पिछड़े और दलित समाज के जरूर हों। अपना दल यश की अध्यक्षा अनुप्रिया पटेल ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का जो है मार्ग प्रशस्त किया, उसी तरीके से ये चाहते हैं कि न्यायिक आयोग बने और उसका भी जो मार्ग प्रशस्त हो। देखते रहिए आप मनोज तिवारी टॉक शो, आगे हम आपको अन्य नेताओं से मिलवा